हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर प्लेनेट। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रोमांटिक थ्रिलर मूवी को, जिसका नाम है विकेट्स माइंड्स, जो 2003 में रिलीज हुई थी, जिसे डायरेक्ट किया था जेसन हिरेनो ने। और बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में, जो है 5.4 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम होल्डन नाम के बंदे को देखते हैं, जो अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। फिर वो पुलिस को सारी बात बताने लगता है और मूवी फ्लैशबैक से स्टार्ट हो जाती है। होल्डन के पिता उसके बचपन में ही उसकी मॉम को छोड़कर चले जाते हैं और उसके कुछ दिनों बाद उसकी मॉम की मौत हो गई थी। होल्डन अपनी पढ़ाई करने के बाद वापस आता है और वो अपने घर पर अकेला ही रहता है। फिर उसके डैड उसे वैकेशन पर बुलाते हैं। फिर वो अपने डैड के घर पहुंचता है, उसे घर पर कोई नज़र नहीं आता और वो अपने डैड के रूम में चला जाता है, जहां वो देखता है लाना नाम की एक लेडी नहाकर आई होती है। मतलब उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली थी, उसने लाना को न्यूड देख लिया था, वो उसकी स्टेप मदर थी। फिर अगले सीन में उसके डैड आ जाते हैं, उसके डैड उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। उसी रात घर पर पार्टी होती है और उसके डैड काफ़ी बिजी होते हैं। फिर हम देखते हैं लाना और होल्डन बात कर रहे होते हैं। लाना उसे बोलती है, तुम काफ़ी हैंडसम हो, तो कोई ना कोई तो गर्लफ्रेंड तो रही होगी। फिर वो उसे बताता है, मेरी एक्स मुझ पर चीट कर रही थी, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। ये सुनकर लाना होल्डन को अपनी फ्रेंड निकोल से मिलाती है और फिर पार्टी में उसके डैड लाना को एक नेकलेस गिफ्ट करते हैं, जो उसे बहुत पसंद आता है, और वो उसे प्राइसलेस बताती है। लेकिन होल्डर के डैड उसे कहते हैं, हर चीज़ की एक कीमत होती है, रिलेशनशिप की भी। वो इस बात को समझते हैं कि लाना ने उनसे पैसे के लिए शादी की है। उनके घर एक लॉयर भी आया था, जो लाना से बात कर रहा था, और होल्डन के डैड उसे देखकर जेलस फील करते हैं। लेकिन बाद में लाना उन्हें समझाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्हें बेवजह टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ये सब होल्डन भी देख रहा होता है। वो सोचता है, बचपन में जैसे मेरी मॉम को डैड टॉर्चर करते थे, वैसे ही लाना को भी करते होंगे। लेकिन जब वो इसके बारे में लाना से बात करता है, तो लाना साफ मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हम देखते हैं होल्डन के डैड उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए घूमने जाते हैं और वो उसे अपने न्यू कार दिखाते हैं, लेकिन वो इसे छूने से मना करते हैं। इसके बाद वो अपने ऑफिस में उसे ले जाते हैं, जहाँ उन्हें कुछ ज़रूरी काम लग जाता है और होल्डन को अकेले ही घर आना पड़ता है। घर पर लाना अकेली होती है। जब होल्डन घर पर आता है, तब लाना कहीं घूमने का प्लान करती है और वो उसके डैड की न्यू कार ले जाते हैं। फिर वो लोग एक बार में पहुंचते हैं। ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से ये दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं होल्डन के डैड को पता चल जाता है कि ये दोनों उसकी कार ले गए थे, जिससे वो बहुत गुस्से में होता है। अगली सुबह होल्डन लाना के हाथ पर निशान देखता है, ये देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर कुछ देर बाद होल्डन और उसके डैड बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और खेल में ही उसके डैड उसके पेट पर बहुत ज़ोर से मारते हैं और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो उसे कहते हैं आगे से वो उनकी न्यू कार को ना छुए। इसके बाद हम देखते हैं लाना होल्डन को बोलती है कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ था, वो ड्रंक होने की वजह से हुआ था और इसे एक मिस्टेक समझकर भूल जाना, और होल्डन इसके लिए हाँ बोलता है। इसके बाद भी वो दोनों क्लोज आ जाते हैं और उस रात भी इंटीमेट हो जाते हैं। फिर जब भी होल्डन के डैड घर से बाहर जाते हैं, ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों आपस में बातें करते हैं। फिर लाना उसे बताती है उसके डैड उसे फिजिकली अब्यूज़ करते थे, वो उसकी छोटी बहन के साथ ऐसा ना करें, इसके लिए उसने एक दिन उन्हें काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कराई और उसके बाद मगरमच्छ दिखाने के लिए ले गई, और ज़्यादा ड्रिंक होने की वजह से वो वहीं गिर गए, जिससे मगरमच्छ ने उन्हें खा लिया। इसके बाद लाना की फ्रेंड निकोल होल्डन को डेट पर ले जाने के लिए उसके घर आती है। फिर वहाँ पर वो लोग कुछ बातें करते हैं और उसके बाद वो दोनों डेट पर चले जाते हैं। डेट से वापस आने के बाद होल्डन का मूड ख़राब हो जाता है, उसे लगता है उसके डैड उसकी लाइफ को हैंडल कर रहे हैं, जो लाइफ टाइम करते रहेंगे, इसके लिए वो वहाँ से जाना चाहता है। लेकिन लाना बोलती है उसे भी उसके साथ रहना है और वो उसे साथ लेकर चले। लाना होल्डन से प्यार करने लगी थी। फिर अगले दिन होल्डन के डैड होल्डन से कहते हैं कि उन्हें लाना पर शक है और उन्हें काफ़ी जल्दी कुछ तो पता चल ही जाएगा। ये सुनकर होल्डन काफ़ी डर जाता है, इसलिए वो बहुत जल्दी यहाँ से जाने वाला था। लेकिन एक लास्ट बार वो लाना की बजाना चाहता था और वो उसे होटल में मिलने के लिए बुलाता है। लाना के आने के बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर कुछ देर बाद होल्डन को नींद आ जाती है। जब वो उठता है और देखता है कि लाना वहाँ पर नहीं थी। इसके बाद वो घर पहुँचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके डैड का मर्डर हो चुका था और लाना भी घर पर नहीं होती। इसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और वो इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। फिर आधी रात को लाना घर पर आती है। फिर पुलिस उससे भी इंक्वायरी करती है और वो उन्हें बताती है कि वो अपनी फ्रेंड निकोल के साथ डिनर कर रही थी। पुलिस होल्डन पर ही शक कर रही होती है, क्योंकि वो एक बेकार रीज़न देता है। उसका कहना था कि वो मूवी देखने गया था।
पुलिस डेड बॉडी लेकर चली जाती है। इसके बाद वो लाना के कमरे में जाता है जहां वो देखता है लाना बहुत सारे रुपए लेकर कहीं जा रही है। होल्डन के पूछने पर वो उसे बताती है कि उसकी फ्रेंड निकोल उसे ब्लैकमेल कर रही है क्योंकि उसने उनके इंटीमेट होने की वीडियो बना ली थी और वो वीडियो क्लिप पुलिस को ना दे इसलिए वो उसे पैसे देने जा रही है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि उनके लॉयर को लाना पर शक होता है क्योंकि लाना ने पैसों के लिए ही होल्डन के डैड से शादी की थी। इसके बारे में लॉयर होल्डन को भी बताता है। इसके बाद होल्डन लाना से बात करने के लिए जाता है लेकिन लाना को ये लगता है कि होल्डन ने अपने डैड का मर्डर किया है। वो उसे कहती है वो परेशान ना हो, वो हमेशा उसकी मदद करेगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर वो लोग आपस में बात करते हैं। होल्डन कहता है कि वो अपने डैड से बहुत ज़्यादा नफरत करता था क्योंकि उसके डैड पहले उसकी मॉम को मारते थे और अब वो तुम्हें मारते थे। फिर लाना उसे बताती है कि उसके डैड ने उसे कभी नहीं मारा और जो निशान उसने देखे थे वो वर्कआउट करने से आए थे। अगले दिन लाना निकोल को पैसे देने जाती है और होल्डन उसका पीछा करता है क्योंकि उसे उस पर विश्वास नहीं था। फिर होल्डन लाना के पास जाता है लेकिन लाना निकोल के साथ ही वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद लॉयर होल्डन से मिलता है, उसे होल्डन पर ही शक था क्योंकि उसके डैड के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी लाना की बजाय उसे ही मिलने वाली थी। लॉयर कहता है कि उस रात को वो मूवी देखने नहीं गया था जैसा कि होल्डन ने पहले बताया था और लॉयर को इंटीमेट होने की वीडियो क्लिप भी मिल चुकी थी। लॉयर के पूछने पर होल्डन सारी सच्चाई बताता है कि कैसे वो एक होटल में मिले लेकिन नींद आने की वजह से वो लेट उठा तो लाना वहाँ पर नहीं थी और जब वो घर पहुँचा तो उसके डैड का मर्डर हो चुका था। फिर लॉयर ये सब सुनकर लाना पर शक करने लगता है कि लाना ने ही पैसों के लिए होल्डन के डैड को मारा होगा। इसके बाद होल्डन को अपना सुसाइड लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है उसने ही अपने डैड को मारा है, अब उसे गिल्टी फील हो रहा है इसलिए वो सुसाइड कर रहा है। इसे पढ़कर वो हैरान हो जाता है, अब उसके डैड का कातिल उसे भी मारना चाहता है। इसके बाद वो लाना को देखता है, लाना के हाथों में गन थी और होल्डन उसे भागकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो कहती है उसने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करने आई थी। होल्डन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो पुलिस को जाकर सब बता देता है। पुलिस ये सुनकर होल्डन को ही गिल्टी मान रही थी और उसे अरेस्ट कर लेती है। और कुछ दिन बाद पुलिस को पता चलता है कि लाना दूसरी कंट्री चली गई है जिससे पुलिस को लाना पर शक होता है। इसके बाद निकोल भी पुलिस के सामने सच्चाई बताती है कि उसका और लाना का अफेयर चल रहा था। लाना ने ही होल्डन को पैसों के लिए ब्लैकमेल करने को कहा लेकिन लाना को और ज़्यादा पैसे चाहिए थे इसलिए उसने होल्डन के डैड का मर्डर कर दिया। वो होल्डन को भी मारना चाहती थी लेकिन निकोल ने उसका साथ नहीं दिया, निकोल ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। ये सब सुनकर पुलिस होल्डन को छोड़ देती है। इसके बाद होल्डन अपने घर जाता है जहाँ निकोल आती है और वो उसे किस करने लगती है। तब हमें पता चलता है ये सारा प्लान होल्डन और निकोल का ही था, वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और लाना कोई दूसरी कंट्री नहीं गई थी, निकोल ही लाना बनकर दूसरी कंट्री होकर आई थी। होल्डन ने प्लान के मुताबिक सुसाइड नोट वाली रात को लाना को मारकर घायल कर दिया था और उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने का काम निकोल को दिया था। निकोल ने लाना की बॉडी ले जाकर एक चट्टान से पानी में नीचे गिरा दिया था लेकिन निकोल ये ठीक से नहीं कर पाई और अब वो दोनों लाना की बॉडी देखने जाते हैं कहीं वो बच ना जाए। फिर उन्हें लाना का नेकलेस मिलता है जिससे वो समझते हैं लाना मर गई होगी और घर पहुंचकर होल्डन पुलिस को उस हथियार के बारे में बता देता है जिस पर उसने लाना के फिंगरप्रिंट लिए थे। फिर हम देखते हैं लाइट्स ऑफ होती है और लाना आकर होल्डन पर शूट करती है। वो उससे पूछती है क्या उसने कभी उससे प्यार किया था क्योंकि वो तो उसे प्यार करने लगी थी और वो कहता है उसने सिर्फ निकोल से ही प्यार किया है। फिर वो घर से बाहर भागने लगता है। लाना होल्डन को मारने ही वाली थी तभी पुलिस आकर लाना को शूट करती है और उसे मार डालती है क्योंकि पुलिस को अभी भी यही लग रहा था कि ये सब लाना कर रही थी। फिर अगले सीन में हम होल्डन को वैकेशन पर जाता देखते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।